तूने बाबा चैनल। तो अभी मॉर्निंग का टाइम है और आज पापा लेके आए हैं तोरई। तो मैंने तोरई काट के तैयार कर ली है और इसमें मैंने मसाला तैयार कर लिया है। और यहाँ देखिए पापा टमाटर भी लेके आए हैं। तो बस मैं आज बना रही हूँ, आप सभी को मालूम चल गया क्या बना रही हूँ, तोरई की सब्जी। तो उसके लिए मैंने तैयारियाँ करनी है और बस मैं बनाना स्टार्ट करती हूँ। और अगर आप सभी को मेरी पूरी रेसिपी देखना है तो वीडियो को ज़रूर पूरा देखना। अगर वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को ज़रूर लाइक करना प्लीज़ फ्रेंड्स। और जो भी बस मेरे चैनल पर नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, जिससे आपको मेरे ब्लॉग की नोटिफिकेशन सबसे पहले मिले और आप मेरे ब्लॉग को देख के इंजॉय कर सकें। ओके, तो मैं बस बनाना स्टार्ट करती हूँ। थोड़ा मैंने गैस चला दी है, गैस को मैंने कढ़ाई रख दी है। अब मैं गैस में और मैं खड़ा हुआ और डाल देती हूँ। अगर मैं सादा सब्जी बनाती हूँ तो उसमें 2 चम्मच तेल डालती हूँ। अगर थोड़ी अच्छी या गोश्त वगैरह बनाती हूँ तो 2-3 चम्मच डालती हूँ। या कुछ ज़्यादा अच्छी या ज़्यादा सब्जी बनाती हूँ। और इसमें डेली सब्जी जो हरी सब्जी बनाती हैं या एक जो तो मैं मसालेदार बनाती हूँ, ज़्यादा मसालेदार बनाती हूँ, 2 चम्मच तेल तो मैं डालती हूँ। ये चम्मच है हमारा सब्जी का, इसी चम्मच से नाप के मैं तेल डालती हूँ। तो यहाँ मैंने इसमें मसाला कर लिया है जो मैंने पीसा है। और अब मैं इसमें सूखे मसाले डाल दूंगी। हमारे सूखे मसाले बस वही डलते हैं। तो यहाँ पर मैंने मसाला ले लिया है, इसमें मैं सूखे मसाले डालूंगी 1 चमची भर के। आधी से थोड़ी ज्यादा हल्दी, थोड़ा सा गरम मसाला। और लास्ट में नमक। तेल गर्म हो चुका है, तेल में हम डालेंगे जीरा। उससे पहले इसमें हम डालते हैं इसको मिक्स कर लेते हैं। इसमें जीरा डाल दिया है, जीरा हो जाए उसके बाद हम ये मसाले इसमें डालते हैं।
हमारा जीरा हो चुका है, हम मसाला डाल देते हैं। मसाला मिक्स कर देते हैं। बस अब हम मसाला अच्छे तरीके से भुनने देंगे। इसको ढककर रख देते हैं। हाँ, तोरई में डालने के लिए मैं टमाटर ले ले रही हूँ। ये मैंने बड़े दो टमाटर ले लिए हैं, बिल्कुल हरे हरे, वो हरे हरे कह रहे हैं, लाल लाल, ताजी लाल टमाटर। तो बस मैं इनको धो के और काट देती हूँ। टमाटर को धो लिया है और बस हम इसको काट लेंगे। अस्सलामुअलैकुम, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। तो अभी फ्रेंड्स 12 बज रहे हैं और मैं पापा और आर्यन जा रहे हैं मार्केट, क्योंकि एक ख़ास बात है जो मैं आप सभी को मार्केट में पहुंचकर बताऊंगी। और अभी फ़िलहाल निकलते हैं क्योंकि पहले ही काफ़ी लेट हो चुका है और कुछ दुकान का सामान लाना है, वो भी लाना है, तो इसलिए बस चलते हैं। और आज जो बेसन की कढ़ाई बनाई थी, माशाल्लाह बहुत ही लाजवाब, बहुत ही टेस्टी बनी। पापा से पूछते हैं पापा को कैसी लगी। पापा की फेवरेट सब्ज़ी है ना, इसलिए पापा की फेवरेट सब्ज़ी है बेसन की कढ़ाई। कैसी लगी? बढ़िया लगी। अम्मी बनाती थी वैसे ही नहीं। तो सभी मार्केट जा रहे हैं, चलते हैं और फिर आप सभी से मिलते हैं। तो यहाँ ये कब्रिस्तान है और कब्रिस्तान के अंदर बहुत जो है बहुत अच्छा हो गया है। पहले से टेबल वगैरह लग गई हैं तो मैं वही देख रही थी, और बहुत सारे पेड़ पौधे भी, बहुत अच्छे अच्छे पेड़ पौधे भी लगा दिए हैं। और मौसम आज बहुत प्यारा है तो बहुत ही अच्छा लग रहा है आज मार्केट जाने में। माशाल्लाह बहुत ही प्यारा मौसम है, क्योंकि सुबह से बहुत बारिश हो रही थी और फिलहाल अभी बंद हो गई है, मगर हवाएं जो बहुत ही प्यारी प्यारी हवा चल रही है। आगे बन जाओ, गेट सा बन जाओ, अभी यहाँ पे ज़्यादा कोई नहीं है तो बहुत ही अच्छा लग रहा है और बहुत ही प्यारी हवाएं चल रही हैं। तो बस अभी हम मार्केट पहुँच जाएंगे, फिर आप सभी साथ में शेयर करेंगे कि हम क्या ला रहे हैं और कुछ ख़ास बातें पापा बताएंगे। पापा कह की शॉपिंग करेंगे अपन दुकान की है, और शादी है ना, कौन की, किसकी शादी है बता। हमारी बुआ की लड़की हैं, उनकी शादी है 24 तारीख की, और ऐसे टाइम पे है, वरना हम बहुत टाइम से उनकी शादी का वेट कर रहे थे और बहुत एक्साइटेड थे कि क्या क्या करेंगे, ये लेंगे वो लेंगे, बहुत ही इन्जॉय करेंगे उनकी शादी में। और जो है कि सब कुछ धरा का धरा रह गया और कुछ भी नहीं सोच पा रहे हैं कि अब इस लॉकडाउन है ना, कोई वाहन चल रहे हैं ना कोई गाड़ी चल रही है, और पता नहीं कैसे जाना होगा। और
देखते हैं कौन जाता है। वैसे तो मैंने सोच लिया है पापा चले आए या फिर पापा अजी सा चले आए, भाई यही दो जने जा सकते हैं क्योंकि भात भी जाना है। पापा भात देंगे हैं सभी सभी भाई सभी भाई मिलके हमारे मेगाँव में रहते हैं बड़े पापा, वो पापा मिलके भात देंगे तो वो भी देने जाना है, इसलिए जाना ज़रूरी है। तो बुआ बुला रहे हैं, डेली फ़ोन लगा रही हैं वो कि आ जाओ सब आ जाओ, बट कैसे जाएं, इसलिए बस सोच रहे हैं अब क्या कराया है, मगर तैयारी करनी है तो वो मैं इसलिए आज मैं और पापा मार्केट जा रहे हैं, कुछ सामान लेके आना है और देखते हैं मिल जाए तो ठीक, मगर दुकान तो बहुत बंद है, बहुत ही मुश्किल से सामान मिल पाता है मार्केट में। तो अभी हम चलते हैं और फिर आप सभी के साथ में शेयर करते हैं। बस अभी हमने सामान ले लिया है और अभी हम घर पर लौट कर जा रहे हैं, तो आप सभी देख सकते हैं पापा पकड़े हैं झोला अभी आर्यन पकड़ा हुआ था, आर्यन से पापा ने ले लिया है और फिर अभी आधे आधे रास्ते पर से पकड़ते हुए चले जाते हैं। और हमें बाज़ार में आज खूब लोग देखने के लिए मिले, वरना आते हैं तो बहुत शांति रहती है मार्केट में क्योंकि गर्मी रहती है और आज मौसम ठंडा है तो बहुत लोग दिखाई दे रहे हैं मार्केट में। आज मौसम ठंडा है तो हमें मार्केट में बहुत सारे लोग बाग भी जो बाहर मिले, बहुत सारे बहुत जो थोड़े लोग मुझे दिखाई दिए, वरना हम जैसे जा रहे थे तो कोई नहीं था। जैसे अभी इस रोडों पे देख सकते हैं बिल्कुल शांत हैं, वरना इस रोड पे इतनी भीड़ होती है कि बस पता है निकलना मुश्किल हो जाता है, इस रोड पे इतनी भीड़ होती है कि बस मैं आप सभी को क्या बताऊं। और अभी हम यहाँ से जा रहे हैं घर पर, हमने सामान ले लिया है। हाँ अभी जैसे दी 50-50 साल की मोड़ी है और का तो नर्सरी वो पेट से स्कूल में पढ़ने बैठे गई थी। अच्छा आगे पुलिस वाले आएंगे, अब आर्यन को मराई देंगे, आर्यन में डंडे पड़ेंगे। आर्यन मास्क सही से लगाया है ना? नहीं, पुलिस वाले मारेंगे अभी आर्यन को। ये हम ब्लॉगिंग कर रहे हैं लॉकडाउन में पुलिस वालों के साथ में, अभी आ रहे हैं। हम जा रहे हैं दुकान पे आवेद मामा की, हवा मस्त चल रही है, मौसम बहुत अच्छा, हम इतने का माल लेकर आए हैं। आज मैंने अपनी वीडियो में बहुत सी जगहों पर ऐसा है कि मैंने जैसे मार्केट में कुछ वीडियो शूट की है तो मैंने उसकी नॉइज़ जो आवाज़ है रियल वो नहीं काटी है, ओरिजिनल रखा है, बहुत जगहों पर मैंने ओरिजिनल रखा है। आज मैंने बहुत कम वॉइस ओवर किया है क्योंकि आज मेरी वीडियो में कमेंट आया था कि आप बिना वॉइस ओवर के वीडियो बनाएँ तो आपकी वीडियो ज़्यादा अच्छी लगेंगी, तो इसलिए मैंने आज वही कोशिश की है, इंशाल्लाह आप सभी को पसंद आएगी। तो बस यहाँ मैं सामान सेट कर रही हूँ, अल्लाह हाफिज़, मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग के साथ। अगर वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को ज़रूर लाइक करना। बाय।